कराची हमदर्द यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तालिबिन की 3 रोज पुरानी लाश मिलने की तहकीकात, रजिस्ट्रार की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस ने 20 साल अमन कुमार की मौत को तबई करार दिया है। अमन कुमार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का तालिबिन था। जीशान मुगल की रिपोर्ट। कराची में हब डैम रोड पर निजी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से 20 साल तालिब इल्म की लाश मिली। हॉस्टल इंचार्ज के मुताबिक तालिब इल्म की शनाख्त 20 साल अमन कुमार के नाम से हुई। वो कंप्यूटर साइंसेज 3rd ईयर का तालिब इल्म और शहजाद कोट का रिहायशी था। अमन कुमार मेरा स्टूडेंट था, हॉस्टल के अंदर रहता था तकरीबन 1 साल से, और 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट था, 2nd ईयर कंप्यूटर साइंस। बुरसा के मुताबिक डॉक्टर से मौत तबई करार दी है। डॉक्टर बता रहे हैं कि वो नेचुरल डेथ है, मगर ये बॉडी 2 दिन पहले की है। ये 2 दिन पहले की बॉडी का जो है शेप बड़ा खराब हो गया है। तो पुलिस को इतना तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि मतलब ये इतने दिन क्यों बॉडी पता नहीं चली। पोस्टमार्टम के मुताबिक जिस्म पर कोई निशानात नहीं मिले। बजाहिर तबई मौत है, वजह हतमी रिपोर्ट आने के बाद वाजह हो जाएगी। अमन कुमार 3 बहनों का इकलौता भाई था। 2 माह से अकेले हॉस्टल के रूम में रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। निशान मुगल समा